हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर टिप्स में। आज हम बात करते हैं एक्सेल के अंदर एक पूरा अकाउंट नंबर हम एक्सेल के अंदर कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये कुछ डेटा है हमारे पास। इस पे नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर और स्टेटस, ये चीजें लिखी हुई हैं। ये कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, राम, श्याम, मोहित और सो ऑन, इस तरीके का डेटा लिखा हुआ है। ब्रांच के नेम भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जनरली 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो उसको हम टाइप करते हैं यहाँ से ये हमने लिखा और एंटर किया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नंबर कुछ छोटे फॉर्मेट पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस सेल में पूरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर हमने ठीक लिखा है, लेकिन एक्सेल में कुछ सेटिंग की वजह से ये नंबर इस तरीके से आ रहा है। आप चाहो तो एक और नंबर हम ट्राई कर सकते हैं, ये भी ऐसे आ रहा है। इस तरीके से हम सारे नंबर एक बार डाल लेते हैं जो भी हमारे पास नंबर है, ये भी इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जहां पे भी हमें इस तरीके के नंबर को ठीक करना होगा, उसमें एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि 11 नंबर से ज्यादा की जितनी भी वैल्यूज हैं या 11 डिजिट से ज्यादा की जितने भी नंबर्स हैं एक्सेल के अंदर, एक सेल पे जब हम लिखते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है, साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द साइंटिफिक नंबर, इस तरीके से साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। इस साइंटिफिक नंबर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी रेंज के अंदर हमने बैंक अकाउंट नंबर लिखना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहां से यहां तक इस रेंज को लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर को लिखना है, उसके बाद Ctrl 1 प्रेस करेंगे। Ctrl 1 या Ctrl 1 आपने प्रेस नहीं करना है तो यहां से होम टैब के अंदर जर्नल आ रहा है, यहां से नंबर इस टैब को पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ये सेम विंडो खुल के आ जाएगी। इसके बाद आपने नंबर वाले कैटेगरी पे जाना है और यहां से इसको नंबर वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद डेसिमल 0 कर देना है और ओके कर देना है, दैट्स इट। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पूरी वैल्यूज यहाँ से आपको शो हो जाएंगी। अब आप इस वैल्यू में कुछ भी 11 डिजिट की से ज्यादा की वैल्यू लिखोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। ये देखिए, तो 11 डिजिट से जो भी वैल्यू ज्यादा होती है वो एक्सेल बेसिकली साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कर देता है। साइंटिफिक नंबर से उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम Ctrl 1 प्रेस करते हैं या नंबर डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके यहाँ से फॉर्मेट सेल वाले ऑप्शन पे नंबर को चूज करके डेसिमल 0 कर लेते हैं और तब ओके कर देते हैं, उससे भी हो जाता है। बट ये हमने रेंज में क्या हुआ, तो इसी रेंज में आएगा। अब इसके बाहर हम कहीं भी लिखेंगे 11 डिजिट से ज्यादा की वैल्यू तो वो उसको साइंटिफिक नंबर में ही कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहां तक की ही रेंज चूज की हुई थी। इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर वही Ctrl F1 और यहां से नंबर, नंबर के बाद डेसिमल 0 कर दो और ओके कर दो, ये हो गया। तो इस तरीके से हम 11 डिजिट से ज्यादा की कोई भी वैल्यू एक्सेल में इजीली लिख सकते हैं, या अपने अकाउंट नंबर को भी एक्सेल के अंदर इस तरीके से हम अपने सेव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।